नमस्ते। तो छुट्टी के पहले हमने देखा था एक टॉपिक फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया था हमने, न्यू चैप्टर। और उसमें उसके फॉर्मेशन के बारे में देखा था कि क्या क्या पार्टिसिपेट होते हैं जब सॉइल का फॉर्मेशन होता है। तब अब हम देखेंगे सॉइल प्रोफाइल के बारे में, जिसका एक लेक्चर आपने देख ही लिया होगा जो कि यूट्यूब में सीख दिया था। अब हम बुक्स में लाइन टू लाइन देखेंगे। सोइल प्रोफाइल, प्रोफाइल मतलब क्या? तो कि देखा यानी कि दिखता किस तरह से है। तो सोइल अंदर बाहर से जितना जिस तरह दिखता है उतना ही वो उतना अंदर नहीं होता, उसके लेयर्स होते हैं। जितना डीप में जाओगे उस तरह उसका बाहर का अपियरेंस यानी कि देखा क्या होता रहेगा, तो कि चेंज होता रहेगा। यूजली वी सी द सर्फेस ऑफ द सॉइल। नॉर्मली हम क्या देख सकते हैं? नॉर्मली हम सॉइल का बाहर का सर्फेस देख सकते हैं, उसके नीचे यानी कि डीपली कितना उसका कलर क्या है, उसके पार्टिकल्स क्या है, उसके बारे में हम देख सकते हैं, नहीं सिर्फ ऊपर का लेयर हम देख सकते हैं। इफ यू लुक एट द साइड ऑफ ए डिच और ए प्लेस वेर द फाउंडेशन ऑफ फॉर अ बिल्डिंग इज बींग डग, वी कैन सी वॉट इज अंडर द सर्फेस। अगर आप देखो कोई डिच हो वह, अथवा तो कोई बिल्डिंग की फाउंडेशन हो रहा है यानी कि गहराई से बिल्डिंग बन रही है, वहां पे पहले क्या करते हैं, सॉइल को डक करते हैं यानी कि खोदते हैं। वहां पे आप देखोगे ना तो अलग अलग आपको सॉइल के लेयर दिखाई देंगे, जिसमें ऊपर का आपको अलग कलर में दिखाई देगा, बीच में अलग कलर दिखाई देगा, और उसके बाद अलग कलर यानी कि कलर में वेरिएशन ही आपको दिखाई देगा। सच ए व्यू ऑफ सॉइल इज कॉल्ड द सॉइल प्रोफाइल। और इस तरह के जो व्यू आपको दिखाई देते हैं जब माटी को खोदते हैं, तो उस तरह के व्यू को क्या कहते हैं? सॉइल प्रोफाइल। इट हेल्प अस टू गेट एन इनर व्यू ऑफ द सॉइल। सॉइल प्रोफाइल क्या करने में हेल्प करते हैं? तो कि उसके इनर व्यू को देखने में हमें हेल्प करते हैं। वी कैन सी दैट द सॉइल इज अरेंज्ड इन लेयर ऑल्सो कॉल्ड हॉरिजॉन्स। जो सॉइल लेयर्स में अरेंज होते हैं उसको और क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्स भी कहते हैं, जिसको वन बाय वन ए बी सी हॉरिजॉन में अलग डिवाइडेड किया गया है, क्योंकि वन बाय वन वो हमें अलग लेयर्स में ही दिखाई देंगे जब हम डग करेंगे। तब जब हम डीपली यानी कि गहराई तक माटी को डग करेंगे, सॉइल को डग करेंगे यानी कि खोदेंगे, कोई बिल्डिंग बनानी हो तब आधा डग कि कोई ऐसी जगह पे आप अगर देखोगे तो आपको अलग से व्यू दिखाई देगा। ए वर्टिकल सेक्शन ऑफ द सॉइल शोविंग इन डिफरेंट लेयर्स और हॉरिजॉन इज कॉल्ड सॉइल प्रोफाइल। जो वर्टिकल सेक्शन में अलग अलग डिफरेंट लेयर में जो, अथवा तो डिफरेंट हॉरिजॉन में जो दिखाई दे रहे हैं लेयर्स, उसको क्या कहते हैं? तो के सॉइल प्रोफाइल। द लेयर्स डिफर्स इन फील ऑफ सॉइल पार्टिकल्स, कलर, डेप्थ एंड केमिकल कंपोजिशन। ये जो लेयर्स होते हैं वो सॉइल पार्टिकल्स फील यानी कि टेक्सचर, उसके टेक्सचर देखने में भी अलग होते हैं, उसका कलर अलग होता है, उनका डेप्थ अलग होता है, उनका केमिकल कंपोजिशन भी अलग होता है। इन सभी लेयर्स में अलग अलग डिफरेंसेस होते हैं। द थ्री मेन लेयर्स ऑफ द सॉइल आर एज फॉलो। थ्री मेन लेयर्स कौन से कौन से? तो के टॉप सॉइल सबसे ऊपर, उसको टॉप सॉइल बोलते हैं, जो हम देख सकते हैं, उसको नाम दिया है ए हॉरिजन। सब यानी कि मिडिल में सब सॉइल, उसको बी हॉरिजॉन जो बीच में होता है, और पेरेंट रॉक जिसको सी हॉरिजॉन यानी कि नीचे वाला। थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया, सबसे ऊपर का, बीच वाला और नीचे का। और इन तीनों के नीचे, सबसे नीचे जो होता है उसको कहते हैं पेरेंट रॉक, के नीचे जो होता है उसको कहते हैं बेड रॉक। बिलो द पेरेंट रॉक देयर इज अ सॉलिड रॉक व्हिच इज कॉल्ड बेड रॉक। सबसे नीचे क्या होता है? तो क्या बेड रॉक। देखो ये सॉइल है, सॉइल का अलग अलग पार्ट, ऊपर जहाँ पे हमारे प्लांट्स ट्रीज होते हैं वो जो हम देख सकते हैं उस होरिजोन को कहते हैं ए होरिजोन, जो बीच वाला होता है उसको कहते हैं बी होरिजोन, और जो नीचे का होता है उसको कहते हैं सी होरिजोन। वहां पे पार्टिकल्स भी तीनों के अलग होते हैं, तीनों के कलर्स में डिफरेंसेस होते हैं, केमिकल कंपोजिशन में भी डिफरेंसेस होते हैं, देखने में भी तीनों अलग अलग हो गए। और पार्टिकल्स में चेंजेस हो गए, तो यहाँ पे तो आपको अच्छे से दिख रहा है कि सी होरिजन में पार्टिकल्स कैसे हैं, तो के बड़े बड़े यानी कि रॉक्स होते हैं वहां पे। अब वन बाय वन हम सभी होरिजन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले टॉप सॉइल, ऊपर का सॉइल ए होरिजन। चलो
द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड द टॉप सॉइल और ए होरिजन, जो सबसे अपर यानी कि ऊपर हो जो सॉइल का लेयर रहता है उसको कहते हैं टॉप सॉइल अथवा तो ए होरिजन। इट शोज द फॉलोइंग फ्यूचर्स, इसके क्या क्या फ्यूचर्स है उसमें, फर्स्ट इट इज यूजुअली द डार्केस्ट इन कलर, सबसे डार्क कलर किसका होगा तो क्या ऊपर के लेयर का, उसके बाद जितना आप नीचे खोदते जाओगे वैसे उसका कलर लाइट होता जाएगा, सबसे डार्क कलर कहाँ पे होगा तो क्या ऊपर। इट इज रिच इन ह्यूमस एस इट कंटेन ए लॉट ऑफ डिकेड प्लांट्स एंड एनिमल रिमेन, इट कन मेक द सॉइल फर्ट। ह्यूमस, ह्यूमस यानी कि क्या तो के जो प्लांट्स डिकेड होते हैं यानी कि जो प्लांट्स डेड हो जाते हैं, जो प्लांट्स अथवा तो जो एनिमल्स डेड हो जाते हैं जो सॉइल के ऊपर के सरफेस में यानी कि अपर सरफेस में जो डिकेड प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं उनके कारण जो एक लेयर बनता है उसको कहते हैं ह्यूमस, यानी कि एक क्या है तो कि एक टाइप सॉइल में रहने वाला एक कंपोजिशन उसका एक पार्ट है जो किसके थ्रू बनता है तो कि जो भी प्लांट्स डेड हो जाते हैं हमें मालूम है जब तक प्लांट्स अच्छे से ग्रीन होते हैं तब तक जब तक उनकी रूट सॉइल में अच्छे से रहती है तब तक प्लांट्स ग्रो होता रहता है, लेकिन कुछ ऐसा होगा कि ज़्यादा धूप के कारण प्लांट्स क्या हो गए तो कि डीके हो गए अथवा तो सड़ गए अथवा तो कोई उनके ऊपर इंसेक्ट्स पड़ गए तो प्लांट्स डीकेड हो जाता है अथवा तो कोई एनिमल्स जो डेड हो जाते हैं उनको भी हम कहाँ पे रखते हैं तो कि सॉइल में ही डालते हैं, तो इन सभी के कारण जो एक मिनरल्स की तरह जो मिलता है उसको कहते हैं ह्यूमस, तो जो ये ऊपर का सॉइल है ना वहीं पे ज़्यादा ह्यूमस रहता है, क्यों, क्योंकि ये सभी काम ऊपर ही होता, कब हम इतना तो उंडा गाड़ते नहीं है कोई एनिमल्स उनको भी हम डांटते हैं तो इतना तो उंडा नहीं डांटते कि बहुत दूर तक जितना कुएं को खोदते हैं उतना तो नहीं डांटते, कितना थोड़ा सा खोद के डांट देते हैं, उसी तरह प्लांट्स भी ऊपर ही रह जाते हैं, तो ह्यूमस कहाँ पे ज़्यादा रहेगा तो क्या टॉप सॉइल में, इसीलिए रिच इन ह्यूमस, और ये जो ह्यूमस होते हैं उन्हीं के कारण सॉइल फर्टाइल बनता है, यानी कि अगर ह्यूमस नहीं है तो उस सॉइल में वापस दूसरा प्लांट्स ग्रो हो सकता नहीं है, यानी कि एक प्लांट्स जो डिकेड हो गया है जो डेड हो गया है उसके कारण जो ह्यूमस बना है उसके कारण ही दूसरा प्लांट्स वहां पे ग्रो होगा, यानी कि ये क्या है तो कि एक सर्कुलर साइकिल है, जो प्लांट्स अब काम के नहीं है उसी के कारण दूसरे प्लांट्स क्या हो गए वहाँ वही उसी जगह पे ग्रो हो गए, तो ह्यूमस रिच होना सॉइल फर्टिलिटी के लिए जरूरी है। दिस लेयर इज सॉफ्ट पोरस एंड कैन होल्ड लॉट ऑफ वाटर, ये जो लेयर होता है ऊपर का वो थोड़ा सॉफ्ट होता है पोरस यानी कि उनके अंदर थोड़ी थोड़ी जगह रहती है और इसीलिए वो वाटर को होल्ड कर सकते हैं यानी कि पकड़ के रख सकते हैं। द रूट्स ऑफ द स्मॉल प्लांट्स आर कंप्लीटली एम्बेडेड इन द टॉप सॉइल, इन केस ऑफ ट्रीज द रूट्स मे गो डाउन टू बी होरिजन, अगर छोटे प्लांट्स है तो उनके रूट्स ऊपर के यानी कि टॉप सॉइल तक ही रहेंगे, लेकिन अगर ट्री से आता तो बड़े प्लांट्स है तो उनके रूट्स बी होरिजन तक जाएंगे, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, अभी छोटे से प्लांट्स है तो उनके रूट्स तो सिर्फ ए होरिजन तक ही आएगी इससे नीचे नहीं जाएंगे, लेकिन बड़ा सा ट्री है अथवा तो बड़ा प्लांट्स है जिनके रूट्स बहुत ज़्यादा होते हैं ट्रीज में तो उनके रूट्स बी होरिजन तक जाएंगे, वरना छोटे छोटे प्लांट्स के तो रूट्स कहाँ तक रहेंगे तो के सिर्फ ए होरिजन तक। उसके बाद द टॉप इट इज द होम ऑफ मेनी लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज वर्म्स इंसेक्ट बैक्टीरिया एंड फंगाई, और ये जो टॉप सेल होते हैं वहाँ क्या होता है तो कि इन सभी का घर भी होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरह के वर्म्स है इंसेक्ट है बैक्टीरिया है फंगस बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऊपर यानी कि टॉप सॉइल में ही रहते है। इट इज द टॉप सॉइल फ्रॉम विच प्लांट्स गेट द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, और प्लांट्स को एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स भी कहाँ से मिलते हैं तो क्या टॉप सॉइल में से ही मिलते हैं, क्योंकि वहीं पे ह्यूमस रहता है लॉट ऑफ वाटर होल्ड करके रख सकते हैं और रूट्स भी छोटे प्लांट्स के तो वहीं तक जाते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो भी फंगाई भी क्या करते हैं अपने कुछ पार्ट इन के इन द ग्रोथ ऑफ प्लांट में अपना कुछ भाग बजाते हैं, तो ये सभी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट्स को ग्रो होने के लिए चाहिए वो कहाँ से मिल जाता है तो के ऊपर यानी के टॉप सॉइल से मिल जाता है। उसके बाद है सब सॉइल, सब यानी के मिडिल पॉट बी हरिजन बीच वाला ले
द लेयर बिलो द टॉप सॉइल इज कॉल्ड द सब सॉइल आर बी होरिजन और द मिडल लेयर। यानी कि टॉप सॉइल के नीचे का लेयर जिसको सब सॉइल भी कहते हैं, बी होरिजन भी कहते हैं अथवा तो मिडल लेयर भी कहते हैं। इनके फीचर्स क्या है उसके बारे में देखते हैं। इट इज लाइटर इन कलर देन द टॉप सॉइल। जो टॉप का सॉइल होता है एज कम्पेयर टू टॉप सॉइल इनका कलर लाइट होता है। देखो यहाँ पे एकदम क्या सॉइल की पिक्चर दी गई है। ऊपर के लेयर में डार्क होता है एज कम्पेयर टू टॉप सॉइल नीचे का लेयर थोड़ा लाइट होता है। तो यहाँ पे वही पॉइंट दिया गया है कि इट इज लाइटर इन कलर देन द टॉप सॉइल। इट इज यूजुअली हार्डर एंड मोर कम्पैक्ट देन द टॉप सॉइल। ये मिडिल लेयर जो होता है अथवा तो बी होरिजन जो होता है वो थोड़ा हार्ड होता है एज कम्पेयर टू टॉप सॉइल, क्योंकि हमने बोला कि ऊपर का टॉप सॉइल जो होता है वो थोड़ा सॉफ्ट होता है, उसमें थोड़े थोड़े पोरस यानी कि थोड़े छोटे छिद्र होते हैं जिसके कारण एयर होती है अथवा तो उसके अंदर लॉट्स ऑफ वाटर होल्ड करके रख सकते हैं, तो इसीलिए वो इतना हार्ड नहीं होगा। हमें मालूम है हम ऊपर के लेयर से हमें सॉइल को हटाना है तो हम इजिली हटा सकते हैं, लेकिन जितना हम नीचे जाएंगे उतना हमारे लिए डग करना खोदना क्या हो जाएगा तो क्या हार्ड हो जाएगा, क्योंकि बी होरिजन थोड़ा क्या होता है हार्ड होता है एज कम्पेयर टू टॉप सॉइल। समझ में आए टू पॉइंट्स। उसके बाद इट इज रिच इन सोलिबल मिनरल्स एंड आयरन ऑक्साइड। ये जो पार्ट होता है यानी कि जो सब सॉइल होता है उसमें क्या ज्यादातर होते हैं तो कि सोलिबल मिनरल्स ज्यादा होते हैं और आयरन ऑक्साइड होते हैं। टॉप सॉइल में ह्यूमस ज्यादा थे और यहाँ पे क्या ज्यादा है मिनरल्स और आयरन ऑक्साइड, तो इसकी भी जरूरत प्लांट्स को ग्रो होने में चाहिए। लेकिन ये किस तरह के प्लांट्स को चाहिए, जो बड़े बड़े ट्रीज होते हैं क्योंकि उसी के रूट्स बी होरिजन तक पहुँचते हैं। जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं उनके रूट्स तो टॉप सॉइल तक ही पहुंचते और उतना जितना उनको न्यूट्रिएंट चाहिए उतना उससे वहीं से मिल जाते हैं। इट इज वेरी लिटिल ह्यूमस और सब सॉइल में ह्यूमस कितना होता है तो कि लिटिल बहुत कम होता है। ज्यादा कहाँ पे होता है टॉप सॉइल में। रेन वाटर कलेक्ट इन दिस लेयर। रेन वाटर इस लेयर में भी कलेक्ट होता है लेकिन उतना नहीं जितना टॉप सॉइल में होता है। समझ में आ रहा है। अभी कोई भी स्पॉन्ज अथवा तो कॉटन है जितना पानी हम उसके ऊपर डालेंगे तो सबसे पहले कौन सा लेयर ज्यादा गीला होगा तो के अबो लेयर। उसी तरह पानी सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा तो के टॉप सॉइल, उसके बाद सब सॉइल और लास्ट में पेरेंट रॉक में। थर्ड पॉइंट है पेरेंट रॉक। द लेयर बिलो द सब सॉइल इज कॉल्ड पेरेंट रॉक। यानी कि सब सॉइल के नीचे का लेयर को बोलते हैं पेरेंट रॉक। इसको और एक नाम से जाना जाता है सी होरिजन। इट शोज द फॉलोइंग फ्यूचर। इसके फॉलोइंग फ्यूचर्स क्या है, इसके फ्यूचर्स क्या क्या है अब देखते हैं। इट इज मेड ऑफ स्मॉल लम्स ऑफ रॉक्स विथ स्पेस इन बिटवीन फॉर्म्ड बाय क्रैक्स एंड स्ट्रीवेसेस। एक इनसे बनना हुआ होता है तो कि स्मॉल लम्स ऑफ रॉक्स, एक तरह के रॉक्स लेकिन छोटे छोटे रॉक्स, दोनों के बीच में क्या होती है थोड़ी थोड़ी जगह होती है। और रॉक्स भी किस तरह के होते हैं, क्रैक्स और स्ट्रीवेसेस। स्ट्रीवेसेस यानी कि रॉक्स के अंदर जो होल्स होते हैं वो, और क्रैक्स यानी कि मालूम है तिरा। तो जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि सी होरिजन में किस तरह, तो कि स्मॉल लम्स ऑफ रॉक्स, दोनों के बीच में जगह रहती है और इन पत्थरों में थोड़ी थोड़े होल्स और क्रैक्स होते हैं। इन सभी से बना हुआ लेयर कौन सा है तो कि पेरेंट रॉक। रेन वाटर कलेक्ट इन दिस रीजन ऑल्सो। और रेन वाटर इस रीजन में भी कलेक्ट होता है। बिलो द पेरेंट रॉक देर इज ए सॉलिड रॉक कॉल्ड बेड रॉक। पेरेंट रॉक के नीचे का लेयर एक सॉलिड रॉक होता है जिसको बेड रॉक कहते हैं। यानी कि एज कम्पेयर टू पेरेंट रॉक उससे भी बड़ा सॉलिड रॉक, यानी कि इसमें तो एक दूसरे के बीच में जगह तो है, जगह भी नहीं, बड़ा सा रॉक सॉलिड रॉक जिसको कहते हैं बेड रॉक, ये कहाँ पे होता है इन तीनों लेयर्स के नीचे। इट इज हार्ड एंड कैन नॉट बी डग अप विद अ स्पेड। ये इतना हार्ड होता है कि हम स्पेड की मदद से इसको खोल सकते नहीं है। रेन वाटर कलेक्ट्स ओवर द बेड रॉक फॉर्मिंग द वाटर टेबल। रेन वाटर बेड रॉक के ऊपर तक ही कलेक्ट होता है जिसके ऊपर वाटर टेबल बन जाता है। रेड क्योंकि वहाँ पे जगह ही नहीं है, जिस जगह पे जगह ही नहीं है वहाँ पे पानी कैसे कलेक्ट होगा, तो कहाँ तक पानी कलेक्ट होता है पेरेंट रॉक तक। और सबसे नीचे कौन सा है तो के बेड रॉक। समझ में आए सॉइल प्रोफाइल अच्छे से। सॉइल प्रोफाइल के थ्री टाइप्स में उसको थ्री लेयर्स में डिवाइड किया है, टॉप सब और पेरेंट रॉक।
टॉप सॉइल में क्या, तो के जो जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं उनके रूट्स टॉप सॉइल में होते हैं, यहाँ पे ह्यूमस ज्यादा होता है। ह्यूमस किस कारण बनते हैं, तो के जो प्लांट्स डिकेड हो जाते हैं उसके कारण जो ह्यूमस बनते हैं, तो दूसरे प्लांट्स को ह्यूमस ग्रो करने में हेल्प करते हैं। सेकेंड देखा हमने बी होरिजोन, बी होरिजोन एज कम्पेयर टू अपर लेयर को कंपेयर करके इसका कलर थोड़ा लाइट होगा और यहाँ पे सोल्युबल मिनरल्स और आयन ऑक्साइड रहेंगे। रेन वाटर तो थ्री लेयर्स में कलेक्ट हो सकते हैं, तीनों लेयर में रेन वाटर तो कलेक्ट होता ही है। लास्ट हमने देखा पेरेंट रॉक, पेरेंट रॉक में क्या होते हैं, तो के छोटे छोटे लम्स ऑफ रॉक्स, दोनों के बीच में जगह रहती है और होल्स भी होते हैं जिसकी मदद से यहाँ पे भी पानी कलेक्ट, रेन वाटर कलेक्ट होता है। आज हमने देखा सॉइल प्रोफाइल, नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। नमस्ते।